बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ मोहम्मद जुनैद इकबाल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक है जिसमें आप सीखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के थ्रू एसोसिएटिव लॉज को किस तरह प्रूफ किया जाता है ये आप आज सीखेंगे। इसमें आप एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए और बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर इज 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम्स। हमारे पास जो लॉज गिवन है उनको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू प्रूफ करेंगे। पार्ट ए देखते हैं जिसमें हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, सेट ए, बी एंड सी। सेट ए में 2 से लेके 12 तक इवन नंबर्स गिवन है और सेट बी में 1 से 11 तक ऑड नंबर्स गिवन है और सेट सी में हमारे पास कुछ मल्टीपल्स गिवन है 3, 6, 9, 12 एंड 15। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। इन तीनों सेट्स को यूज करते हुए हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ करेंगे बाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। इसको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू प्रूव करेंगे। वेन डायग्राम्स पे जाने से पहले इसको हम सेट के थ्रू चेक करते हैं कि क्या सेट के थ्रू भी ये इक्वल आते हैं या नहीं। सेट्स के थ्रू प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी यूनियन सी और फिर उसमें जैसे हमारे पास सेट्स गिवन हैं उसी तरह से उनके जो एलिमेंट्स हैं या सेट्स हैं वो पुट करेंगे। सेट ए जो हमारे पास था 2, 4, 6, 8, 10, 12 उसको लिखा एंड देन यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी। अगर आप देखें तो बी यूनियन सी इसके बाहर हमें ब्रैकेट गिवन है तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। सो सेट ए एज इट इज़ आएगा, बी और सी का यूनियन फाइंड करके लिखेंगे। यूनियन में आपको पता है हर वो एलिमेंट आता है जो किसी एक सेट में गिवन हो या किसी एक सेट में मौजूद हो। सेट बी में 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सेट बी सी के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15। इनके जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास यूनियन में आंसर आएगा 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 एंड 15। फिर इसका सेट ए के साथ दोबारा से यूनियन लेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल सेट है उसके एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 15। दिस इज़ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में यूँ कह सकते हैं कि ए बी और सी इनके तमाम एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के आंसर में मौजूद हैं। तो इसी को हम वेन डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि क्या उसमें भी ए बी और सी तीनों सेट्स आते हैं या नहीं। तो उसके लिए वेन डायग्राम्स की तरफ चलते हैं। गिवन सेट्स के अकॉर्डिंग हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम आएगी। तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 10, 6 एंड 12। यहाँ पे मैंने 6 और 12 को इस एरिया में लिखा है जो ए और बी का कॉमन एरिया है। उसकी रीज़न ये है कि 6 और 12 हमारे पास दोनों सेट्स पे मौजूद थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। इसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। 6 और 12 ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी 15, 3 एंड 9 है। 3 एंड 9 को मैंने बी और सी के कॉमन एरिया में लिखा क्योंकि ये बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं और इस तरह उसके बाद सेट सी को भी कम्प्लीट किया। सो ए बी और सी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इधर कॉमन एरिया में लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको शेड करेंगे। हमने शेड करना था ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों का यूनियन लेना है तो इनमें तमाम एलिमेंट्स आएंगे। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसका शेडेड पार्ट में तीनों सेट्स आ रहे हैं ए बी और सी। इसी तरह से अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम इसको सेट्स के थ्रू प्रूव करते हैं जिसमें हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए और बी का यूनियन लेंगे तो सेट्स को एज इट इज़ लिखा। ए और बी का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि सेट ए में इवन नंबर्स थे
बी में ऑड नंबर्स थे, जब इनको कंबाइन करेंगे यूनियन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 1 से लेकर 12 तक हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आएंगे, इनका हम यूनियन लेंगे सी के साथ। जब सी के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर में ये आएगा 1 से लेकर 12 तक नंबर एज इट इज़, लेकिन चूंकि यहाँ पे 15 भी मौजूद है तो हम 15 भी यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही सेट बना था। इसको अब हम वेन डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं, उसी तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वही सेट्स का कम्बिनेशन आएगा ए बी सी, इनमें एलिमेंट्स पुट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देन बी एंड देन सी, और जब इसको शेयर करेंगे तो ए बी और सी तीनों के तीनों सेट इसमें आएंगे। सो हम इसको फिगर नंबर 2 कह सकते हैं। तो और इसमें ये जो लाइंस वाला एरिया है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसमें तीनों सेट सी इंक्लूड होंगे। तो फिगर 1 अगर आपको याद हो उसमें भी शेडेड पार्ट यही था, फिगर 2 में भी शेडेड पार्ट यही है। तो हम कह सकते हैं दैट फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 हम कह सकते हैं कि दोनों शेडेड पार्ट दोनों फिगर्स में सेम थे। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स जो है वो वेन डायग्राम्स के थ्रू प्रूव कर दिया है। अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट था उसकी तरफ चलते हैं, वही क्वेश्चन नंबर 3 है, वही हमारे पास ए बी और सी तीन सेट्स हैं विद द सेम एलिमेंट्स। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट में हमने एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करना है ऑफ इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। पहले हमने यूनियन के ऊपर इसको प्रूव किया, अब हम इंटरसेक्शन के ऊपर प्रूव करेंगे। दिस इज़ द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हम उसी तरह से हम इसको सेट्स के ऊपर प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी पैटर्न में सेट्स लिखेंगे। बी और सी का पहले इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में आपको मालूम है कि कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अगर कॉमन एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इन दोनों सेट्स में दो कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे, एक 3 है एंड द सेकंड नंबर इज 9, दीज टू आर द कॉमन एलिमेंट्स। अब इनका सेट ए के साथ दोबारा इंटरसेक्शन लेंगे, अगर आप यहाँ पर देखें इस सेट में सिर्फ 3 और 9 है, इस सेट में 3 ऑफ 9 मौजूद नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको यूँ कह सकते हैं कि दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इसी को अब हम वेन डायग्राम्स के थ्रू चेक करते हैं, क्या उसमें भी हमारे पास यही आंसर आता है। सेट ए बी सी इनके एलिमेंट्स लिखे उसी पैटर्न में, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको कॉमन एरिया में लिखेंगे। और पहले चूंकि हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो इनको जब इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी का, तो इनका जो कॉमन एरिया है जिसमें दो एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं 3 और 9, ये हमारे बी इंटरसेक्शन सी में आएंगे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया that this represents B intersection C. This is the area of B intersection C. इसका हमने दोबारा से इंटरसेक्शन लेना है A के साथ, A डिफरेंट सेट है, A में और इस एरिया में कोई भी एलिमेंट या एरिया कॉमन नहीं आ रहा, तो जो हमारा A intersection B intersection C होगा उसमें हमें शेडेड पार्ट नहीं मिलेगा। सो वी कैन राइट नो शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स A intersection B intersection C, तो इसमें हमारे पास कोई भी शेडेड पार्ट नहीं आया। जब हमने सेट के थ्रू A intersection B intersection C फाइंड किया था उसमें भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई शेडेड पार्ट नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को भी पहले सेट्स के थ्रू प्रूव करते हैं, जिसमें हम ए और बी का पहले इंटरसेक्शन लेंगे। ए और बी का जब पहले इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें चेक करें क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों में ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। और इसका दोबारा से इंटरसेक्शन लेंगे सेट सी के साथ जो इधर साइड पर था। आपको पता है कि एम्प्टी सेट का जब भी किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर हमारा हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है, और यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था। इसको वेन डायग्राम्स के थ्रू भी चेक करते हैं, उसी तरह से ए बी और सी के एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कोई भी शेडेड पार्ट नहीं आएगा। फिगर 1 में भी ऐसे ही था कि हमारे पास कोई शेडेड पार्ट नहीं था आया, फिगर 2 में भी बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में कोई शेडेड पार्ट नहीं था, इनके दोनों का आंसर सेम था।
तो उस बेस पे हम कह सकते हैं दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो हमने सोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर दिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, विच इज़ द पार्ट बी, ये आपके होमवर्क के लिए है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको करना इजी रहे। ये आपके पास सेट बी में जो सेट्स गिवन हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसमें अगर आप देखें सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, आपको पता है कि जी इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें जो नंबर आएंगे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। उसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8, एक्स जो है वो 8 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, यानी कि 8 से एलिमेंट्स इसके शुरू होंगे। और सेकंड कंडीशन है दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू 25, 25 से लेस आर इक्वल है। इसको जब हम सेट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास 8 से लेके 25 तक एलिमेंट्स आएंगे। सो सेट की फॉर्म में सेट ए आपके पास इस तरह आएगा, ये मैंने सेट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको इजी रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सेट बी देखते हैं, बी में भी हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं जिनको वाई से रिप्रेजेंट किया है और उनके ऊपर कंडीशन ये है दैट वाई इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -6। अच्छा, इसमें अब इक्वल का साइन नहीं आया, तो इसका मतलब है कि -2 इसमें इंक्लूड नहीं है बल्कि इससे ग्रेटर नंबर आएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, जो इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि इसमें 6 नहीं आएगा बल्कि 6 से लेस नंबर्स आएंगे। तो जब सेट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये वाले नंबर्स आएंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास सेट बी बनेगा। और उसके पास सेट सी, उसमें भी हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं और कौन से इंटीजर्स हैं विच आर लेस आर इक्वल टू 8, इक्वल का साइन है तो 8 उसमें फॉल करेगा लेकिन उससे लेस हैं, तो लेस इंटीजर्स आपको पता है 8 से लेस की तरफ चलेंगे, तो 8, 7, 6 उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। इंटीजर्स चूँकि -1 में माइनस में भी होते हैं, सो -1, -2, -3 वो सारे के सारे 8 और 8 से जो छोटे तमाम इंटीजर्स हैं माइनस वाले भी वो इसमें इंक्लूड होंगे। अच्छा, अब इनको वेन डायग्राम्स की फॉर्म में सेट्स को कैसे मेंशन करेंगे वो भी देख लें। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सेट बी है ये सारे का सारा सेट सी में फॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि सेट बी सेट सी का सबसेट है, तो जब डायग्राम बनाएंगे उसके सबसेट के तौर पर लिखेंगे। इसी तरह ए और सी में सिर्फ 8 एलिमेंट कॉमन है तो ए और सी ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे। तो मैं इनको वेन डायग्राम में आपको सेट्स को मेंशन कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपके पास इस तरह के सेट्स बनेंगे, ए और सी ओवरलैपिंग सेट्स होंगे लेकिन बी जो है वो सेट सी का सबसेट होगा, इस तरह की फॉर्म बनेगी। बाकी इससे आगे वाला काम आप खुद करेंगे, एलिमेंट्स आप खुद पुट करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो अब आप असाइनमेंट के तौर पे खुद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट वही हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैं आपको प्रूव करके दे चुका हूँ। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।